देखिए कैसी दही जमी एकदम मस्त जमी है, और आप ये लोग ये खा लीजिए और हमारे वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और आप सब लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, और ये खा लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और मेरा एक और वीडियो है। वेलकम टू कल्शन ब्लॉग। तो आज हम आना जा रहे हैं दही। तो कुछ लोगों को जो है दही जमाने का सही तरीका नहीं पता है, तो आज हम लोग आप सभी लोगों को दही बनाने का सही जमाने का सही तरीका बताएंगे। देखिए गैस स्टार्ट कर लिए, अब इसके अंदर अभी हम दूध उबाल लेंगे। तो देखिए हमारा जो दूध है वो उबल चुका है। दूध को जो है हमें 40 मिनट पका लेना है। तो हमारे पास 3 पाव दूध है, हमारे पास 3 पाव दूध है, तो इसे हमें आधा लीटर करना है। तब तक इसे हम पका लेंगे। तो हमें आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और हमारा एक और चैनल है उसका नाम है कलश एनिमल ब्लॉग्स। उसके अंदर मैं सारे एनिमल्स के बातें बताती हूँ, एनिमल्स क्या करते हैं दिन भर। आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए अभी दूध उबल रहा है। दूध के अंदर जो है हमें मलाई नहीं आने देना है, तो इसे हम लोगों को चम्मच से ही चलाना है, और हमें चम्मच से चलाते ही रहना है थोड़े थोड़े देर में, तब जो है अच्छी दही जमती है। शायद हमसे भी अच्छी दही कोई और भी जमाते होंगे, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हम ही जमाते हैं, सभी अच्छी दही जमाते हैं, बट किसी किसी लोगों को जो है अच्छी तरह से दही जमाना नहीं आता है, इसलिए आज हम लोग आप सभी लोगों को दही जमाना सिखा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी मलाई नहीं आई है। तो 30 मिनट हो चुका है, 10 मिनट अभी उसे हम लोगों को और पकाना है। जितना दूध आप पकाओगे उतना अच्छा आपका दही बनेगा। दही से जो है आप बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, जैसे लस्सी हो गया, रायता हो गया, बहुत सारी चीज़ें। अगर घर का दही है ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो गैस ऑफ करने के बाद भी इसे हमें चलाते रहना है, इसे हमें ठंडा कर लेना है, एकदम ठंडा नहीं करना है, मीडियम पे रखना है इसे, और हमें इसलिए चलाते रहना है कि इसके अंदर जो है मलाई ना आए। तो गैस उतार के हम लोग इसे जब से हिला ही रहे हैं, और जो है ठंडी के मौसम में है हमें थोड़ी सी दही जमाने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो दही है वो 12 घंटे में जमता है, और गर्मी के मौसम में जो जमता है 6 घंटे में, और ठंडी के मौसम में 12 घंटे में जमती है, और गर्मी के मौसम में 6 घंटे में जमती है, दही जम जाती है। देखिए हम लोग इसे मिक्स ही कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर हम लोग ने मलाई नहीं डाला है, तो इसके अंदर हम लोगों ने मलाई नहीं आने दिया है। अब इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं दही। तो ये देखिए डाल ले रहे हैं, और दही डालने के बाद इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए 6 घंटे जो है वो हो चुके हैं, तो हमारे दही है वो जम चुकी है। तो आप सभी लोगों को निकाल के दिखाते हैं प्लेट में। ये देखिए निकाल ले रहे हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी जमी है दही। वाओ बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो देखिए कैसी दही जमी एकदम मस्त जमी है, और आप ये लोग ये खा लीजिए, और हमारे वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और आप सभी लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ये खा लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और मेरा एक और वीडियो है उसका नाम कलश फैमिली ब्लॉग है, तो उसे भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।